Good morning students. Today we will discuss about magnetism and matter. First we will discuss about the concept of magnetism and some terms related to magnetism. And the topics to be covered in this lecture is bar magnet and its properties, current loop as a magnetic dipole and dipole moment, current solenoid as equivalent to a bar magnet and its dipole moment, Coulomb's law in magnetism, and important terms in magnetism. Let us see what is magnetism. The phenomenon of attracting magnetic substances like iron, nickel, cobalt, and so on is known as magnetism. A body possessing the property of magnetism is called a magnet. The object or the thing which attracts iron, nickel, or cobalt is called a magnet. A magnetic pole is a point near the end of the magnet where magnetism is concentrated. कैसे समझ सकते हैं इसको आप? अगर कोई मैग्नेट आपके पास है तो उसके दो एंड्स होंगे और उन्हीं दोनों एंड्स को आप पोल्स कहते हैं और इन एंड्स पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है. एग्जाम्पल के तौर पे अर्थ को भी एक नेचुरल मैग्नेट कहा जाता है. अर्थ में भी मैग्नेटिक कैरेक्टर्स हैं, मैग्नेटिज्म है. और जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स, चाहे वो आयरन, निकल और कोबाल्ट हों, ये सारे अर्थ से ही फाइंड आउट किए जाते हैं. और इनफैक्ट मैग्नेट जो नेचुरल फॉर्म में मिला वो भी अर्थ से ही मिला है. एंड इन इट्स नेचुरल फॉर्म इट इज़ नोन एज लोडस्टोन. कुछ सर्टन प्लेसेस हैं अर्थ में जहाँ पर कुछ मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन, निकल और कोबाल्ट को अट्रैक्ट करते हैं और उन्हीं मैग्नेट के इनफैक्ट आयरन के ओर्स होते हैं. लोडस्टोन्स आर ओर्स ऑफ आयरन. दे हैव अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन, निकल एंड कोबाल्ट और सम अदर मेटल्स. एंड दोज लोड नेचुरल सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज मैग्नेट्स. The region around a magnet in which it exerts forces on other magnets and on objects made of iron is a magnetic field. In this line, it is explaining about the magnetic field. Magnetic field, it is a region around a magnet in which any other magnetic material or any other magnet can feel some interactions. Properties of a bar magnet. What is a bar magnet? A magnet in form of a rectangular shaped rod, or you can say in solid form it is like a cuboid, is known as a bar magnet. What are the properties of bar magnet? The very first one, a freely suspended magnet aligns itself along north-south direction. एक ऑब्जेक्ट, एक मैग्नेट आप लें, अगर बार मैग्नेट, उसको आप सस्पेंड कर दें, तो अगर आप इसे जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रोटेट कर दें और फिर फ्री छोड़ दें, तो जब ये रेस्ट में आएगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा अपने आप को. This is one of the directional property of bar magnet. Unlike poles attract and like poles repel each other. Like poles repel करेंगे और unlike poles attract करेंगे. दो poles होते हैं, north pole and south pole. North और north या south और south repel करेंगे और north south या south north attract करेंगे. Magnetic poles always exist in pairs. That is, poles cannot be separated. आप किसी एक मैग्नेट को
में नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग करना चाहें और ये सोचें कि मैग्नेट को हम तोड़ देते हैं तो नॉर्थ अलग हो जाएगा साउथ अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तोड़ने के बाद ये दो नए मैग्नेट्स बन जाते हैं और दोनों में दोनों पोल्स नॉर्थ और साउथ मिलेंगे। आप इनको कितना भी स्मॉलर से स्मॉलर जो है पार्ट में कट कर दीजिए, यू विल गेट न्यू मैग्नेट्स। और ये कभी भी नहीं हो सकता है कि आप नॉर्थ को अलग कर लें और साउथ पोल को अलग कर लें। अ मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक मैग्नेट के हेल्प से आप किसी और सब्सटेंस में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा आपको, मे बी आप याद हो आपको, क्लास सिक्स में एक एक्टिविटी है जिसमें हम लोग बार मैग्नेट की हेल्प से मैग्नेट बनाते हैं, जिसमें एक ब्लेड को बार मैग्नेट से रब किया जाता है। तो इस लाइन में यही बताया गया है कि अ मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डेफिनेटली मैग्नेट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेगा। नाउ रिपल्सन इज द स्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी अगर दो मैग्नेट्स आपके पास हैं तो अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों मैग्नेट ही हो सकते हैं। एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दोनों मटेरियल्स एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं तब आप कहेंगे कि यस, ये दोनों मटेरियल्स मैग्नेट्स हैं, क्योंकि मैग्नेट्स के लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। अगर वो दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरा सब्सटेंस मैग्नेट नहीं होता तो हर एक केस में फर्स्ट सब्सटेंस जो कि मैग्नेट है उसे बार बार अट्रैक्ट करता। लेकिन अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिपेल कर रहा है देन आप कह सकते हैं कि ये दोनों मैग्नेट्स हैं। अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन रॉड एज वेल एज अपोजिट पोल ऑफ द अदर मैग्नेट। देयरफॉर इट इज़ नॉट अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। But if a rod is repelled with a strong force by a magnet, then the rod surely magnetized. Now representation of uniform magnetic fields. कैसे represent कर सकते हैं? It may be represented by a parallel line. And these parallel lines represent uniform magnetic field on the plane of the diagram. The crossed These crosses can represent a uniform magnetic field, but what is important, uniform field, perpendicular and into the plane of the diagram. The arrows are going into the plane of the diagram. Now it may be represented by dots, and these dots exactly uniform field, perpendicular and emerging out of the plane of the diagram. The magnetic field lines are coming out of the plane of this screen, or you can say plane of this diagram. Current loop as a magnetic dipole and dipole moment. In previous chapter of magnetic effects of current, वहाँ हम सब ने देखा कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, सर्कुलर कॉइल है या फिर सोलेनोइड है, सभी में करंट अगर मूव कर रहा है तो वो मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल भी होना चाहिए, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मैग्नेटिक डाइपोल के। तो ये दोनों चीज़ें करंट लूप्स में होनी चाहिए। देखते हैं कैसे। सपोज वी हैव अ सर्कुलर कॉइल और इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस, राइट साइड से अगर आप देखें तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो कर रहा है। देन द मैग्नेटिक फील्ड इज, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एमर्जिंग आउट फ्रॉम राइट साइड। डेफिनेटली द राइट फेस इज नॉर्थ पोल एंड द लेफ्ट फेस इज साउथ पोल। आप क्लियरली देख सकते हैं जहाँ पर बी लिखा हुआ है वहाँ पर नॉर्थ पोल, यानी सामने वाला राइट साइड की तरफ का फेस नॉर्थ पोल और लेफ्ट साइड की तरफ का फेस साउथ पोल बनेगा। तो एक सर्कुलर कॉइल में दो पोल्स हो गए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल हो गया, क्योंकि एक मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं तो दो पोल्स हैं, इसलिए इसको मैग्नेटिक
डाइपोल कहा जाएगा। और डाइपोल मोमेंट क्या होगा इस केस में? सपोज एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया बाउंडेड बाय द कॉइल, नॉट ऑफ द कॉइल, यू कैन से एरिया बाउंडेड बाय द कॉइल इज ए, देन द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज आई इंटू ए। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। वेन वी लुक एट एनी वन साइड ऑफ द लूप कैरिंग करंट, इफ द करंट इज इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, देन दैट साइड ऑफ द लूप बिहेव्स लाइक मैग्नेट, और यू कैन से दैट फेस ऑफ द लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, एंड इफ द करंट इज इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन the face of the loop behaves like magnetic south pole. Now the current solenoid, that means solenoid as a magnetic dipole or a bar magnet. Let us see, this is a solenoid, the loops are there and the magnetic field lines, you can see these are the magnetic field lines due to bar magnet and these are magnetic field lines due to solenoid. Definitely solenoid behaves like a bar magnet because the magnetic field lines are very much similar. Bar magnet, as I told you, it is in shape of a cuboid. North pole and south pole, and there are points P just inside north and south poles. And the magnetic dipole moment, it is directed from south pole to north pole. Now the magnetic length, it is the distance between poles, and there is a term, there must be a correction, not geographic, it is geometric length. The geometric length is distance from outer point on bar magnet at north pole and outer point at south pole. The line joining the pole of the magnet is called the magnetic axis. The distance between the poles of the magnet is called magnetic length of the magnet. The distance between the ends of the magnet is called the geometrical length of the magnet. The ratio of the magnetic length and geometric length is nearly 0.84. That means geometric length is greater than magnetic length. Magnetic dipole and dipole moment. What is a magnetic dipole? If north and south poles are separated by a distance, then it is known as a magnetic dipole. A pair of magnetic poles of equal and opposite strength separated by a finite distance is called a magnetic dipole. The magnitude of the dipole moment is the product of the pole strength M and the separation 2L between the poles. 2L is magnetic length, M is pole strength. It have a analogy with the electric dipole. In case of electric dipole, there are charges and separation between the charges. Equal and opposite charges separated by some finite distance. At place of charge, there is a term pole strength. As charge describes the strength of electric field, that means if charge is greater, electric field will be greater. If charge is smaller, electric field will be weaker. In the same way, if magnetic pole strength is stronger, there is a strong magnetic field. If the pole strength is less, there is a weak field. So this magnetic pole strength is analogous term to charge. And in case of electric field, this is P equals to 2QL. In this case, it is M into 2L. Magnetic dipole moment is M equals to M into 2L I cap. M dot 2L, then I L cap is there, not I cap, it is L cap. That means the magnetic dipole moment is along the magnetic axis, directing from south pole to north pole. SI unit of magnetic pole strength is ampere meter.
Now the direction of the dipole moment is from south pole to north pole along the axis of magnet. Now Coulomb's law in magnetism. In fact, in case of magnetism, though we don't have some separate magnetic charges or just like charges, positive and negative charges, here we don't have north pole and south pole individual or separated north and south poles. North and south both appears together, but as far as analogy is there, we may have some statement of Coulomb's law in magnetism in a similar way as in electric field. The force of attraction of or repulsion between the two magnetic poles is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them. Suppose there are two poles, one is north and another one is maybe north, maybe south. One's pole strength is M1, other's pole strength is M2, and they are separated by a distance r. Then force of attraction or repulsion is directly proportional to M1 into M2, wherein M1 and M2 are pole strength. That means it describes how strong is the magnetic field. And it is inversely proportional to R square, and F equals to KM1 M2 upon R square, where K is a constant and it is replaced as mu naught upon 4 pi M1 M2 upon R square, where K is mu naught upon 4 pi is a constant, and mu naught 4 pi into 10 raised to power minus 7 Tesla meter per ampere, the value of mu. In vector form, vector F is mu naught upon 4 pi M1 M2 upon R square into R cap. That means the magnetic force is along the line joining M1 and M2. And in terms of vector R, it is mu naught upon 4 pi M1 M2 upon R cube into R vector. Now magnetic intensity or magnetizing force, it may be defined as the magnetic intensity at a point is the force experienced by a north pole of unit pole strength placed at that point due to pole strength of the given magnet, and H equals to B upon mu, where B is magnetic induction. In fact, H is also known as magnetizing field, and the magnetizing field may be produced by any magnet, and it may be produced by any current loop or straight wire, such as a straight wire can be used to produce magnetic field and which may magnetize any other material. That means the magnetizing force is field due to a straight wire. If there is a circular coil, then magnetizing field is produced due to circular coil. It may be produced due to a solenoid also, and it may be produced by some other magnet also. It is also defined as the magnetomotive force per unit length. That means magnetizing force per unit length. It can also be defined as the degree or extent to which a magnetic field can magnetize a substance. That means aapne koi field liya jo ki kisi other object ko magnetism produce kar raha hai, kisi dusre object mein magnetism ko produce kar raha hai. Kiski wajah se? Jis field ki wajah se magnetism develop ho raha hai, us field ko aap magnetizing force kahenge ya magnetic intensity. Kitne extent mein dusra object magnetism present hua hai usme ya aa gaya hai, that degree or that extent exactly defines magnetizing force.
It can also be defined as the force experienced by a unit positive charge flowing with unit velocity in a direction normal to the magnetic field. आपने पढ़ा है F equals to QVB sin theta. तो अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इट कॉन्स्टिट्यूट अ करेंट, और करेंट है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए. तो मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में ही आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स को या मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं. द SI यूनिट इज एम्पियर टर्न्स पर लीनियर मीटर, दैट मीन्स एम्पियर मीटर, एम्पियर पर मीटर. इट्स सीजीएस यूनिट इज ऑस्टेड. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, या इसी को आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, जिसे आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं. द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ अ सब्सटेंस. बी इज मैथमेटिकली इक्वल्स टू म्यू इनटू एच. मैग्नेटिक इंटेंसिटी में आप पॉइंट नंबर वन में देख रहे हैं एच इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू, देयरफॉर बी इक्वल्स टू म्यू इनटू एच. एंड इफ यू आर इन वैक्यूम एट प्लेस ऑफ म्यू यू विल हैव म्यू नॉट, एंड एट प्लेस ऑफ एच एच नॉट, एंड एट प्लेस ऑफ बी वी विल हैव बी नॉट. द SI यूनिट इज वेबर मीटर स्क्वायर, या इसको आप टेस्ला भी कहते हैं. CGS यूनिट इज गॉस, एंड वन गॉस इक्वल्स टू 10^-4 टेस्ला. नाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्फेस. इट्स SI यूनिट इज वेबर. Relation between B and H. B equals to mu into H, where mu is the permeability of the medium. Magnetic permeability, what is it? It is the degree or extent to which magnetic lines of force can pass, enter a substance. Or the SI unit is Tesla meter per ampere, or वेवर पर एम्पियर पर मीटर, और एच पर मीटर. एच इज हेनरी. रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन अ मटीरियल टू दैट इन वैक्यूम. दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज बी, then the ratio of magnetic flux density in a material to that in vacuum B upon B naught. It can also be defined as the ratio of absolute permeability of the material to that in vacuum. Mu r equals to B divided by B zero, or mu r equals to mu divided by mu naught. Now the intensity of magnetization, it is the degree to which a substance is magnetized when placed in a magnetic field in qualitative form, and in more precise way it can also be defined as the magnetic dipole moment acquires per unit volume of the substance. Suppose any magnetic material is placed inside a magnetic field. Due to the magnetic field, that is due to the external magnetic field, some magnetic character develops in the magnetizing material. Then the magnetism that is developed in magnetic material can be characterized by intensity of magnetization. It is the magnetic dipole moment per unit volume. It can also be defined as the pole strength per unit cross-sectional area of the substance, and I equals to M upon V. And the SI unit of intensity of magnetization is ampere per
meter. Now the next topic, magnetic susceptibility. It is the property of the substance which shows how easily a substance can be magnetized. Suppose किसी substance को आपने magnetic field में रखा और magnetic field का effect उसके ऊपर जितना effectively और जल्दी से हो जाएगा, easily हो जाएगा, तो इसकी magnetic susceptibility high होगी. और अगर उसमें magnetic character develop होना tough है, तब उसकी magnetic susceptibility low होगी. It is the property of the substance which shows how easily a substance can be magnetized. It can also be defined as the ratio of intensity of magnetization in a substance to the magnetic intensity H applied to the substance. It is chi or chi x, jaisa aap likhte hain isko. Chi m equals to I upon H, and the susceptibility has no units. Relation between magnetic permeability and susceptibility. It is mu r equals to 1 plus chi. This is all about the magnetism. And last two slides, these are the basic terms related to magnetism. Whenever we discuss about the magnetism of a substance or any material, we have explained it in terms of magnetic susceptibility, intensity of magnetization, magnetic induction, and magnetizing force, and so on. Thank you.